ैानजीम बसमराम महमदाल मोहम्मद कमा सल इब्रीम उलब्रैंक हमीदालमीद बारकल महमदाल महमद कमाबारा इब्रीम ऊल्लक़ हमीदल ममजिद औरज़बिला रजीम बसम रहीम आज मैं मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में कहा था कि मैं मोहब्बत के एमाल की जो है आगे वीडियोज़ बनाऊँगा तस्खीर खल के और मोहब्बत के एमाल के बारे में तो आज उसी मौजू की तरफ आते हैं अगर आप ख़ुद अपने लिए करना चाहते हैं तो अपना स्यारा देखेंगे अगर आपके पास कोई और आता है अमल लेने के लिए तस्खीर खलक के लिए तो फिर उसका सारा देखेंगे और अगर कोई और मोहब्बत के अमाल के लिए आ रहा है किसी के शादी का मसला है किसी की मोहब्बत का मसला है तो जो तालिब और मतलूब होते हैं उनको देखा जाता है तो जो मतलूब मतलूब के सारे को भी देखा जाता है और तालिब के सारे को भी देखा जाता है कि क्या वो रुचत का शिकार तो नहीं है क्या वो उल्टे तो नहीं है क्या वो कमज़ोर पोजीशन में तो नहीं है अगर ये हालात हों तो फिर उस वक्त उनका अमल नहीं करना चाहिए मिसाल के तौर पे मैं आ रहा हूँ बोर्ड पे आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश करके अपने नाम से जो मैच है उन्हीं हरूफ़ से आप जो हैं आप जो हैं अपना जो है मोहब्बत या शादी का मसैला लें और अगर तस्खीर खलक़ का अमल लें तो भी अपने हरूफ़ से जो दोस्त हरूफ़ हैं उसमें से थे मिसाल के तौर पे अगर बुरज हमल है तो उसको चाहिए कि वो मोहब्बत के लिए मीम और फा का इंतख्य करे बुरज हमल वालों के लिए और उसके हरूफ़ लाम एन और या तो उनका इंतखब करें। अब इनका जो बुरज होगा वो बुरज हमल होगा और सायरा मरीख है अब हम देखेंगे कि मार्स जो है कमज़ोर तो नहीं है मिसाल के तौर तो पे मार्स अगर कमज़ोर है तो वो आदमी उस वक्त गलत मोहब्बत के जाल में होता है कमज़ोर कैसे होता है मिसाल के तौर पे इसका शरफ़ जो है जिद्दी में है शरफ़ मरीख ये बुरज जिद्दी में होता है मार्स एंड कैप्रिकान तो ये पावरफुल होता है और अगर इसके सातवें खाने से सातवां हाउस जो होता है सेवेंथ हाउस उसमें कमज़ोर होता है तो यहाँ पे ये वीक होता है कमज़ोर होता है तो अगर वहाँ पे बैठा होगा तो आप उस तालब के का जो आपके पास आया है अमल के लिए उसका अमल आपके लिए बेकार हो जाएगा जा। क्योंकि आप उस जिसका आप काम कर रहे हैं उसका सारा बिल्कुल कमज़ोर बैठा हुआ है तो इस हाल में ये पॉइंट भी देखी जाती है फिर उसके जो है सदकात दिए जाते हैं और उसका सेवेंथ हाउस जो है बुरज सरतान है सेवनथ हाउस में बुरज सरतान आता है कैंसर में जो है मार्स जो है वीक होता है तो वो उसकी पोजीशन कमज़ोर हो गई है तो ऐसी हालात में आप लोगों को सैरों का इनतख जो है देखें कि कमज़ोर हैं तो उसको अमल नहीं बनाना चाहिए इसी तरह अगर मतलूब आ जाए जो मतलूब है मतलूब फ़र्ज़ करो उसका मतलूब जो है जो है वो फ़ा से लिया है तो अब हम देखेंगे कि फा फ़ा जो है वो उसका मतलूब हो गया है तालब जो है वो हमल है सायरा मरीख है मतलूब जो है वो कौस है और सायरा जो है उसका मुश्तरी है तो ऐसी हालत में हम देखेंगे कि मतलू का सायरा उल्टा है सीधा है या कमज़ोर है तो अब मुश्तरी जो है वो अगर मुश्तरी उल्टी होगी अगर मुश्तरी या जोपीटर जोपीटर रेट्रोग्रेट हो या रिवर्स हो या उल्टा हो या राज हो ये एक ही अल्फाज हैं राज हो तो ऐसी हालत में उनके जो मोहब्बत का अमल है वो नहीं करना चाहिए जब तक वो सीधा हो जाए जब वो सीधा हो जाए तो उनकी मोहब्बत का अमल किया जाता है अगर उल्टे हों तो उस वक्त इसका अमल नहीं किया जाता अक्सर आमलिन भाइयों के अमलियात इस वजह से जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और वो उनके लिए बड़ी मेहनतें करते हैं रियाजतें करते हैं लाखों की तादाद में जो है वो पढ़ाइयाँ करते हैं और फिर भी उसका जो नतीजा होता है वो दुरुस्त नहीं आता तो उसकी वजह से अब नाम इनका मेच है क्योंकि वो बुरज हमल है और ये बुरज कोस है तो कोस के साथ मल की जो है तसलीस है अब तसलीस तसलीस जो होती तस्दीस जो है सिक्स हाउस के फिफ्थ हाउस की तरफ जो है और नाइन्थ हाउस की तरफ है इसका तो वो उसकी मैचिंग तो है लेकिन यहाँ पे सैारा अगर ये कमज़ोर हो गया है या ये कमज़ोर है तो दोनों सूरतों में अमल में नाकामी होगी तो इन चीज़ों का जो है ख़ास ख्याल रखा जाता है तो इन शाह तला आप लोग इससे इस्तफाजा करेंगे क्योंकि मैं छोटी छोटी पॉइंट्स बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़हन नशीन हो जाए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताएँगे खुदाफिश